Hi there, welcome to my YouTube channel Chandan's Review Room. So today I'm going to talk about a really special topic. Let's say you are in a situation that you want to gift yourself a really nice pen, but you are on a tight budget, so you don't want to get overboard with the pricing. But since it's a gift, it should be special enough to fit in that category. So let's say you are stuck with a budget of under ₹150. Here I come with three of the best pens in this price category, and they are these three. So let's talk about them more in the video, shall we? तो आज मेरे पास जो पेन्स है वो तीन अलग अलग ब्रांड के तरफ से आने वाला पेन है। तो मेरे पास जो पहला पेन है ये हाउजर की तरफ से आने वाला हाउजर एपिक। दूसरा जो मेरे पास पेन है ये पायरी कार्डिन की तरफ से आने वाला पायरी कार्डिन लपास। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास है लग्जर की तरफ से आने वाला रॉयल आइकॉन। तो बिफोर आई गेट इन टू द फीचर्स एंड द राइटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस पेन्स, लेट अस डू अ क्विक अनबॉक्सिंग ऑफ दिस थ्री। एक्चुअली मैं इस पेन को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पेन का अनबॉक्सिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स सी द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस टू पेन्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द पायरी कार्डिन वन। दिस ब्रांड मे बी द मोस्ट नोन ब्रांड ऑफ दिस थ्री। तो हमारे पास आज जो पेन है वो पायरी कार्डिन का लपास है, और जैसे कि आप देख सकते हो ये एक आउटर कवर के साथ आता है। ये आउटर कवर ऑब्वियसली पेपर का बना है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो उसके बाद हमारे पास है ये सी थ्रू बॉक्स। तो आप अगर किसी ऑफलाइन स्टोर से ख़रीद रहे हो तो आप देख के ख़रीद सकते हो इसका कलर। तो उसके बाद ये रहा हमारे पास हमारा पेन शाइनी नियो पायरी कार्डिन लपास। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पेन है ये लग्जर की तरफ से आने वाला रॉयल सीरीज का आइकॉन पेन है। एकदम नॉर्मल मिनिमलिस्ट पैकेजिंग के साथ आता है, और इसके पीछे इसका डिटेल्स वगैरह लिखा गया है, लाइक द MRP, द मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड डेट। तो लेट्स अनबॉक्स दिस फर्स्ट। That was really messy, I'm sorry about that. So here we have with us the Luxor Royal Icon. तो अब अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इसका बॉक्स कैसा है, लेकिन जो लग्जर की आइकॉन था उसी तरह की पैकेजिंग है। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। पहले इन तीनों की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इन माय ओपिनियन द पायरी कार्डिन हैज़ द मोस्ट यूनिक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस थ्री। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ हमारे पास जो बॉक्स मिलता है वो ये है। तो इफ़ यू वांट टू स्टोर इट समवेयर यू कैन स्टोर इट इन दिस बॉक्स रियल इजीली। तो या दिस इज द बॉक्स ऑफ दिस पेन, एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। सो इसके साथ आपको वैसे स्टैंड अलोन ऐसा कोई बॉक्स नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है ये प्लास्टिक का है। सो दिस कम्स सेकेंड एंड दिस कम लास्ट, एंड या सो इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस थ्री। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट one of the most important factors of these pens, that might be their quality of construction and their in hand feel. तो इन तीनों की construction में किसी भी तरह की compromise नहीं किया गया। They are all made up of high quality metals. तो let's talk about this pen first. So this Hauser Epic is totally made up of aluminium, and these two are made up of aluminium and steel.
इनमें जो गोल्डन एक्सेंट्स आपको दिख रहा है ये टोटली स्टील का बना हुआ है, और जो बॉडी है टोटल बॉडी ये एल्यूमिनियम का है, और इनमें भी जो आपको गोल्डन एक्सेंट्स दिख रहा है ये स्टील का बना है, और टोटल बॉडी इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। और इनकी इन हैंड फील की बात की जाए तो दिस हैज़ द मोस्ट हेफ्थ ऑफ दम थ्री, दिस हैज़ द लीस्ट हेफ्थ एंड दिस कम्स समवेयर बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगर इन हैंड फील की बात की जाए तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये आपको लीस्ट अच्छा लगेगा। तो इन माई ओपिनियन दिस हैज़ द मोस्ट प्रीमियम फीलिंग इन हैंड फीलिंग ऑफ दिस थ्री। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर मैकेनिज्म, ऑल थ्री ऑफ देम कम्स विद ट्विस्टिंग मैकेनिज्म, तो आपको इनको क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना पड़ेगा इनका जो निब है इनको बाहर लाने के लिए, और अगर आपको इन निब को अगर फिर से अंदर लाने के लिए आपको काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना पड़ेगा। इनका फ़ायदा क्या है, आपको कोई कैप का मतलब फिक्र नहीं रहता कि कैप अगर गुम हो गया तो क्या होगा, पूरा पेन ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग एंड थ्री ऑफ देम कम्स विद द ट्विस्टिंग मैकेनिज्म। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी हाउ दिस थ्री पिन्स परफॉर्म्स ऑन अ पेपर। तो लेट अस स्टार्ट विद द हाउजर फर्स्ट। ओके, सो now let us go with the royal one, this is from Luxor, so and lastly let us write to it the Pyricardian one. Okay, so this is the writing samples of this three pen. So अगर solely इनकी writing की form की बात की जाए तो they are totally fine nib. I think all three of them has 0.5 mm nib. तो आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ये बहुत ही फाइन लिखता है। और अगर इंक डिलीवरी की बात की जाए तो आई थिंक द आइकॉन वन, द रॉयल आइकॉन वन गिव्स यू द मोस्ट वाइब्रेंट राइटिंग एक्सपीरियंस, एंड दिस वन कम्स द सेकेंड व्हेन इट कम्स टू वाइब्रेंसी ऑफ द राइटिंग, एंड द हाउजर गिव्स यू द लीस्ट वाइब्रेंट राइटिंग, बट द हाउजर गिव्स यू द स्मूदेस्ट राइटिंग, and this comes second and this comes last. So in my opinion main agar in teeno mein koi ek ko pick karunga to I will pick the Hauser one because this is really subtle when it comes to look and appearance, and I'm a speedy writer, so the smooth nature of this pen suits me really well. The second I would pick this one, this is really classy, the matte black variant, and the last is this one. तो अगर आपको ब्रांड वैल्यू का उतना ज़्यादा शौक नहीं है तो यू कैन गो विद दिस और दिस वन, बट अगर आपको एक ब्रांड चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो यू शुड गो विद दिस वन। तो दिस वॉज स्मॉल कंपेरिजन एंड रिव्यू ऑफ दिस थ्री पेन्स।